So in the last lecture, we have started with reactions of benzene ring of the phenol. उसमें first reaction हमने ये सारे reactions जो है very 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 important with respect to boards, with respect to NEET, with respect to CET, with respect to JEE mains and advanced. Okay, phenol's part is very important. So first reaction is hydrogenation. Hydrogenation के लिए you need to apply very high pressure because the benzene ring is aromatic. So if you want to convert that into a non-aromatic thing, you need to apply very high pressure condition. Okay. So if you are doing hydrogenation in the presence of nickel as a catalyst, you will get cyclohexanol. Oxidation, strong oxidizing agents like KMnO4, K2Cr2O7, and concentrated HNO3. Those will oxidize phenol into quinones. Next, nitrosation reaction. The characteristic reactions of benzene ring is ES reaction, electrophilic aromatic substitution. So जो ये जो HNO2 है in the acidic medium, it will produce the NO positive electrophile. That NO positive electrophile will be attacking on the benzene ring in the ES reaction, and the major product will be at para because of the steric hindrance. Okay, ठीक है. अभी ये जो पैरा नाइट्रोसोफिनोल जो भी है, इट कैन टॉटोमराइज टू फॉर्म क्विनोन मोनोऑक्साइम. ऑक्साइम मतलब कार्बन डबल बॉन्ड NOH जो भी रहता है, सी डबल बॉन्ड NOH, दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑक्साइम. सो इसमें ये टॉटोमराइज होके क्विनोन मोनोऑक्साइम ऐसा भी रह सकता है, बट द मेजर अमाउंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पैरा नाइट्रोसोफिनोल ओनली. बट ये भी इसका भी कंटेंट थोड़ा बहुत रह सकता है सिस्टम में, इक्विलिब्रियम में. ओके, सो दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज ऑक्साइम. यू कैन हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइम्स बेस्ड ऑन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स. अगर एल्डिहाइड के साथ बनाया तो इट इज कॉल्ड एज एल्डॉक्साइम. कीटोन के साथ बनाया तो इट इज कॉल्ड एज कीटोक्साइम. ऑक्साइम कैसे बनेगा? बाय रिएक्टिंग द कार्बोनिल कंपाउंड विद हाइड्रोक्सिल एमाइन. ये वाला हाइड्रोक्सिलामाइन, इसके साथ रिएक्ट किया तो आपको ऑक्साइम मिल सकता है. ठीक है, नेक्स्ट ब्रोमिनेशन. ब्रोमिनेशन रिएक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, यू विल गेट 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, व्हिच इज अ क्रिस्टलाइन व्हाइट प्रेसिपिटेट. एज फिनोल इज हाईली एक्टिवेटेड इन ES रिंग, और जो बेंजीन रिंग है इट इज एक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ द OH ग्रुप or because of the O minus. Okay, phenol is sufficiently acidic, so jo O minus rahega wo highly activate karega benzene ring ko. Is wajah se all the ortho and para positions will be replaced by bromine, and wo water solvent use karne ki wajah se, in the water ye jo Br2 hai, it breaks as Br positive and Br minus, and the Br minus is effectively solvated by the water. Solvate hone ki wajah se wo waisa break ho pa raha hai. ओके, अगर वो सॉल्वेट इफेक्टिवली नहीं होता तो ज्यादा अमाउंट ऑफ बीआर पॉजिटिव सिस्टम में नहीं बनेगा. सॉल्वेट कब नहीं होगा? इफ यू आर यूजिंग नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CS2. सो इन दैट केस, एज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द ब्रोमीन इज नॉट सो हाई, ओनली वन पोजिशन इधर ऑर्थो और पैरा विल बी रिप्लेस्ड बाई ब्रोमीन. ओके, एंड इन जनरल पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस. सो Br2H2O में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड वाला बनाना है कॉम्पाउंड. Br2CS2 में सिंगल सब्स्टिट्यूटेड और मोनो सब्स्टिट्यूटेड वाला बनाना है. डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा. एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पॉली सब्स्टिट्यूशन, दीज आर द डिफरेंट इंटरमीडिएट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड. पहले ऑर्थो पे लग सकता है या पैरा पे लग सकता है. पैरा पे लगने के बाद एक ही चॉइस है, ऑर्थो पे लगेगा. ऑर्थो पे लगने के बाद दो चॉइसेस है, पैरा इसके रेस्पेक्ट में ये वाला पोजिशन पे या ये वाला पोजिशन पे लग सकता है. ओके, उसके हिसाब से दो प्रोडक्ट्स, एंड फाइनली यू विल गेट द ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. जो मोनो सब्स्टिट्यूशन और मोनो ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल इज अचीव्ड बाय टेकिंग CS2 एज सॉल्वेंट इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द आयनाइजेशन ऑफ फिनोल एंड Br2. लो टेम्परेचर इज प्रेफर्ड टू रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ ब्रोमिन. अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो फिर से ब्रोमिन ब्रेक होगा, Br पॉजिटिव ज्यादा मिलेगा. नाइट्रेशन रिएक्शन. नाइट्रेशन दो टाइप्स के देखा हमने, डाइल्यूट HNO3 के साथ और कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ. डाइल्यूट HNO3 के साथ यू विल गेट टू प्रोडक्ट्स, ऑर्थो प्रोडक्ट एज वेल एज पैरा प्रोडक्ट, एंड दीज टू कैन बी इजीली सेपरेटेड बिकॉज ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. ये जो ऑर्थो प्रोडक्ट है,
इट विल फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये इंटरमोलिकुलर नहीं बना पाएगा, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा. दूसरे मॉलिक्यूल के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होने की वजह से दोस कैन बी सेपरेटेड इजीली और द बॉइलिंग पॉइंट विल बी लेस. इस पर्टिकुलर केस में इट विल बी फॉर्मिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में रहेगा. सो बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो गया है सो उनको सेपरेट करना मुश्किल रहेगा और बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा रहेगा. सो ये जो ऑर्थो कॉम्पाउंड है इट इज कॉल्ड एज स्टीम वॉलेटाइल or it will be present in the vapor phase and this will be present in the liquid phase upon distillation. Okay, and if you are reacting with the concentrated HNO3 then ye jo phenol hai iska ring activated hone ki wajah se you can replace all the three positions. So you will get 2,4,6 trinitrophenol which is also called as picric acid, but ye zyada nahi ban payega because concentrated HNO3 ke sath aur ek reaction bhi ho sakta hai, the of phenol to give you quinone. Okay, so if you want to form picric acid tab kya karenge, first you will do sulfonation. When you are doing sulfonation two positions will be replaced by SO3H and ye jo sulfonation reaction hai it is a reversible reaction and ye jo sulfonyl group hai it is a deactivating group. So abhi ye jo compound ke reactivity jo hai utna zyada nahi hai. So NO2 जाके यहाँ पे लगने के बाद as it is acidic medium ये वाला these groups can easily be removed. So उसके place में फिर से NO2 जाके लग जाएगा. Okay? So you are getting 2,4,6 trinitrophenol or picric acid by this method. Okay? First you need to do sulfonation followed by nitration. नेक्स्ट सल्फोनेशन का दूसरा और एक रिएक्शन भी है विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर कंडीशंस. लो टेम्परेचर पे आपको ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा विच इज कॉल्ड एज काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट. हाई टेम्परेचर पे आपको पैरा प्रोडक्ट बनेगा विच इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट. उसके बाद हमने रिंग अल्कलेशन देखा है. फ्रिडल क्रैप्स अल्कलेशन आर नॉट पॉसिबल बिकॉज फ्रिडल क्रैप्स रिएक्शन में हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं AlCl3 इट इज अ स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड कैटलिस्ट. सो इट विल बी कॉम्प्लेक्सिंग विद द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन इन फिनोल. सो अगर वो कॉम्प्लेक्स होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे होगा. व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग द फ्रिडल-क्रैप्स रिएक्शंस डोंट हैपन. ओके, सो इसलिए हम इसको दूसरे टाइप से करते हैं, हाल्किन प्लस एच पॉजिटिव और फिनोल प्लस BF3. ओके, ठीक है. एंड दिस पर्टिकुलर कॉम्पाउंड इज कॉल्ड एज, ठीक है ये क्यूमिन नहीं है. अगर ये वाला OH हटा दिया तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज कॉल्ड एज क्यूमिन. दिस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनोल. ओके, नेक्स्ट कपलिंग विद डायोजोनियम सॉल्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. डायोजोनियम सॉल्ट इज नथिंग बट बेंजीन, उसके ऊपर N2 पॉजिटिव एंड द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस आर EAS रिएक्शंस. सो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये इसके ऊपर अटैक होगा एंड ऑलवेज द मेजर प्रोडक्ट विल बी पैरा अनलेस एंड अंटिल द para position is occupied by some other group. Okay, and this particular reaction mein jo bhi bond banta hai it is called as diazo link which is usually present in dyes. Okay, and this reaction can happen with any substituted benzene or wo jo group hai that is substituted on the benzene, it should be a highly activating group, matlab electron releasing group hona chahiye, electron releasing in the with the help of resonance. आप लोग को लास्ट लेक्चर में एक होमवर्क दिया था, रीड अबाउट बीटा नैप्थॉल टेस्ट. किसी ने किया? ओके, नेक्स्ट. उसके बाद हमने ओके एक एग्जांपल देखा. देन वी हैव स्टार्टेड कोल्ब सिंथेसिस. कोल्ब सिंथेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस. कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स. कोल्ब सिंथेसिस जो है इट इज द रिएक्शन ऑफ फिनोल्स. In the first step, you are adding NaOH. In the second step, you are adding CO2, and in the third step, you are acidifying the solution. When you are adding NaOH, if you are adding NaOH, phenol being acidic, it will react with NaOH to form phenoxide. अभी ये जो phenoxide है, it will activate the benzene ring. O minus जो है, it will activate the benzene ring to the highest. So उसका reactivity in Friedel-Crafts, in EAS reaction will be high. ओके, अभी सिस्टम में सेकंड स्टेप में हमने क्या ऐड किया? CO2.
CO2 is an electrophile because carbon is attached to two highly electronegative elements. So वो electrophilic होने के वजह से उसके ऊपर benzene ring attack करके there will be ES reaction. If you are using NaOH, ortho product will be the major product. If you are using KOH, para product will be the major product. Okay? ठीक है. ये वाला यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर मतलब समझ में आया ना. कार्बोक्सिलिक एसिड बीइंग ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल, एच पॉजिटिव इसके साथ नहीं होना चाहिए, एच पॉजिटिव फिनोल के साथ होना चाहिए. ओके, देन वी हैव स्टार्टेड विद द रिएक्शंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सैलिसिलिक एसिड. सैलिसिलिक एसिड में यू हैव बोथ ओएच ग्रुप एज वेल एज सीओएच ग्रुप. अल्कोहल भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है उसके अंदर. ओके, ये जो अल्कोहल वाला पार्ट है इट विल बी रिएक्टिंग विद एक्सटर्नल रिएजेंट्स विच हैज कार्बोक्सिलिक एसिड इनसाइड देम. मतलब अल्कोहल जो है इट रिएक्ट्स विद COOH पार्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव. कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में इधर एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड. ओके, एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड इनके साथ रिएक्ट होके ये वाला पार्ट रिएक्ट होकर एस्टर बनेगा. अगर अल्कोहल ऐड हो रहा ऐड कर रहा हूं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट रिएक्ट होके एस्टर बनेगा. आपको बेसिकली फाइनली याद ये रखना है, इफ यू सी एन एसिड विद एन अल्कोहल यू नीड टू फॉर्म एन एस्टर, और इफ यू सी एन एसिड डेरिवेटिव विच इज एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड प्लस अल्कोहल यू नीड टू फॉर्म एन एस्टर. इतना ही. इसमें अलग से याद क्या रखना है, अंडरस्टैंड द थिंग्स कैसा क्यों हो रहे. एंड ये वाला तो ऑलरेडी हमने रिपीट किया है, अल्कोहल का रिएक्शन में भी देखा ही है. ओके, क्लियर? यस. ओके, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखते हैं. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क मी. इफ यू आर टेकिंग सैलिसिलिक एसिड, कॉमन नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना. And if you are reacting this with acetic anhydride, CH3, C double bond O, CH3, acetic anhydride. Which part of salicylic acid will be reacting with acetic anhydride? Which part? OH. What will be the product? O. C double bond O. CH3 plus. Bacha hua CH3COH. Okay. And yahan pe COH bhi hai na. ओके, ये जो कंपाउंड बनाया है हमने दिस इज कॉल्ड एज एसिटाइल. ये सैलिसिलिक एसिड है, मेन फंक्शनल ग्रुप तो ये वाला COH है ना. सो उसके ऊपर वी हैव सब्स्टिट्यूटेड दिस एसिटाइल ग्रुप, हेंस दिस इज कॉल्ड एज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. एसिटाइल salicylic acid, and the common name for this is aspirin. Which is used as a drug, and uska property hai it is analgesic. Aisa kuch hota hai, antibiotic, analgesics, maybe by ये जो पीसीबी वालों को ज्यादा पता होगा इनके बारे में. There are different classifications of drugs, different categories. ये जो aspirin है it comes under analgesic.
पैरासिटामोल में यही यूज होता है ना? ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन. नेक्स्ट रिएक्शन अगेन, इफ यू आर ट्रीटिंग सैलिसिलिक एसिड ओएच या फिर सीओएच, इफ यू आर ट्रीटिंग सैलिसिलिक एसिड विथ मिथेनॉल CH3OH इन एसिडिक मीडियम, which part of salicylic acid will be reacting with methanol? COOH. COOH wala. So the product will be, abhi the major functional group is reacting na. So is case mein naam mein change absorb karo. OCH3. This is called as methyl salicylate. This is called as methyl salicylate. Okay, and uska common name hai. This is also called as oil of wintergreen. Wintergreen is the name of a tree. Is particular tree se ye jo particular methyl salicylate hai, it is extracted in the form of an oil. Hence, it is called as oil of wintergreen. And this is used for relieving muscle ache. Okay, aspirin jo hai, it is used for relieving paracetamol. Kiske liye use hota hai? Body pains, headache, fever, in sab ke liye na. नेक्स्ट अगेन सैलिसिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद फिनोल, ऑन रिएक्शन विद फिनोल विच पार्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड विल बी रिएक्टिंग विद फिनोल? COOH, क्योंकि वो अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा. सो द प्रोडक्ट फॉर्मड, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द प्रोडक्ट? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द प्रोडक्ट? ऊपर वाला मिथाइल या फिनाइल सैलिसिलेट, ऊपर वाला मिथाइल सैलिसिलेट ना, ये वाला फिनाइल सैलिसिलेट. विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेलॉल, एंड दिस सेलॉल इज यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट. Okay, clear it. These three special reactions. One is for the preparation of aspirin, oil of wintergreen, and salol. Okay, last reaction. Again, very, 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 very important reaction. Reimer-Tymon reaction. Reimer-Tymon reaction. Ek minute.
the general reaction. If you take phenol, again NaOH and CHCl3. What is CHCl3 called? Chloroform. You will get ye jo OH or COOH laga to, it is called as salicylic acid. Now you are having OH and CHO. This will be called as इसको क्या बोल सकते हैं? This is salicyl aldehyde. वो salicylic acid हुआ, ये salicyl aldehyde. क्लियर है? हाँ. इसका भी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड्स में डायरेक्टली पूछा जाता है. देखो, इन द सॉल्यूशन यू हैव फिनोल एज वेल एज यू हैव CHCl3. अभी ये जो NaOH है वो फिनोल के साथ रिएक्ट करके पहले फिनोक्साइड बनाएगा. बिकॉज फिनोल इज एसिडिक, NaOH इज बेसिक, सो पहले वो रिएक्शन करवा दो. यू विल गेट फिनोक्साइड प्लस H2O. अभी ये जो CHCl3 जो है, इज CHCl3 एसिडिक? इज CHCl3 एसिडिक? हाँ. इट इज एसिडिक इफ यू आर रिमूविंग H पॉजिटिव. कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, द नेगेटिव चार्ज can be stabilized by minus the effect of Cl as well as by back bonding. Or jo negative charge it can be given into empty d orbitals of chlorine. Okay, so ye jo CHCl3 hai, this is sufficiently acidic. So when it reacts with H2O, it forms, sorry, OH minus, it forms H2O plus CCl3 negative. ओके, अभी ये जो CCl3 नेगेटिव है, इट इज एन अनस्टेबल कंपाउंड. एवरीवन वंस ऑब्जर्व, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? ये वाले कार्बन का आउटरमोस्ट शेल में ये H पॉजिटिव जैसा गया ना, सो इसका दो इलेक्ट्रॉन जो भी है इसके पास ही आ गया. ओके, कार्बन के अभी आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 है. Okay, this is an 8-electron species, but having negative charge on carbon, उतना ज़्यादा stable नहीं रहता है. So this chlorine will act as leaving group, and the chlorine will go as Cl minus. Okay, Cl minus जैसे जाएगा. अभी Cl minus जैसे गया तो इसके ऊपर positive आएगा ना, positive और negative balance हो जाएगा. Okay, अभी इसके पास जब 8 electrons था, अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स में से ये दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन सीएल के साथ चला गया. अभी उस कार्बन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स ही बचेगा. ओके ओके, तो दिस CCl2 इज एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी. दिस इज कॉल्ड एज कार्बीन. दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ इंटरमीडिएट. कार्बोकैटियन, कार्बानियन, कार्बन फ्री रेडिकल जैसा ही ये भी एक इंटरमीडिएट है, विच इज कॉल्ड एज कार्बीन, विच इज अपटेन्ड ओनली इन दिस रिएक्शन. ओके, इसलिए हमको हम इसको अलग से डिस्कशन नहीं किया. दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशी एंड इट इज न्यूट्रल. एक जो कार्बोकैटियन है वो भी 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, बट वो न्यूट्रल नहीं है, वो चार्ज्ड है. कार्बीन इज ए न्यूट्रल थिंग. आई होप दिस इज क्लियर. Yes. Okay, but is CCl2 an electrophile? Yes. Can CCl2 act as electrophile? Huh. It is an electrophile because there the carbon is electron deficient.
सिक्स इलेक्ट्रॉन्स है ना, सी सी एल टू, अभी रिएक्शन क्या होगा, अटैक, ये वाला यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, दैट नेगेटिव चार्ज विल बी अटैकिंग दिस कार्बन, सो यू विल गेट डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड, यहाँ पे सी सी एल टू, ये नेगेटिव हो जाएगा, ओके क्योंकि वो जो नेगेटिव इसके ऊपर अटैक किया, इस कार्बन के ऊपर अब नेगेटिव आना चाहिए, एंडिंग में सब कुछ सिस्टम में चार्जेस बैलेंस होना चाहिए, ये पूरा सिस्टम में एक नेगेटिव है, अभी इस सिस्टम में भी नेगेटिव है, नेक्स्ट स्टेप में व्हाट विल हैपन, ये जो हाइड्रोजन है, रिमूव दैट हाइड्रोजन, ये इसी नेगेटिव के चार्ज के साथ निकाल सकते हो, ओके रिमूव दैट हाइड्रोजन एज एच पॉजिटिव, तब यहाँ पे वापस बॉन्ड बनेगा, यू विल गेट एरोमेटिसिटी अगेन, दिस विल बिकम ओ माइनस डबल बॉन्ड, दिस विल बी सी एच सी एल टू, ओके नाउ इन द सिस्टम यू हैव ओ एच माइनस, एन ए ओ एच है ना, if you have OH minus, ye jo hai, this is like alkyl halide, the characteristic reactions of alkyl halides is substitution reactions, substitution and elimination dono, but is case mein substitution reaction ho sakta hai kyunki wo benzyl wala hai, benzyl is a good substrate for both SN1 and SN2, so uske upar substitution hoke ये O माइनस हुआ, दिस विल बी सी एच सी एल और सी एल सी एल सी एल नहीं ओ एच और ओ एच बोथ द सी एल आर रिप्लेस्ड बाय ओ एच, ओके इसके बाद क्या होगा, हम हमेशा एक पॉइंट पढ़ते हैं, टू ओ एच ग्रुप्स ऑन द सेम कार्बन एटम आर अनस्टेबल, in that case you will be removing H2O, so idhar se OH idhar se H hata do, what you will get, aldehyde, so you will get O minus C double bond O H, ye product milega, okay isko acidify karna padega humko in order to convert that into that O minus into OH, so this particular product is called as alkyl aldehyde and the reaction is called as Reimer-Tyman reaction, I hope the reaction is clear, ek bar mechanism observe karo, you have in the system phenol and chloroform, both of them are sufficiently acidic, hence they will react with OH minus the base to form phenoxide and dichlorocarbene, dichlorocarbene is a neutral species and it is a 6 electron species, hence the carbon is electron deficient or it can act as electrophile, so phenoxide jo hai, the ring is activated because of O minus, so that will attack on the CCl2 in electrophilic electrophilic aromatic substitution reaction, okay after addition of CCl2 there will be removal of H to regain aromaticity, उसके बाद OH माइनस के साथ रिएक्ट करते समय अल्काइल हैलाइड जो है दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सो दैट Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय OH एंड टू OH ग्रुप्स ऑन द सेम कार्बन एटम बीइंग अनस्टेबल इट विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड, आई होप दिस इज क्लियर, हां सर हां ठीक है, लास्ट पार्ट of the chapter, test for phenols, again very important,
FACL attached, FACL3 test. FACL3 टेस्ट पहले भी कहीं पे पढ़ा हमने? हाँ. कहाँ पे पढ़ा याद है? हाइड्रोकार्बन्स में, अल्काइन्स. हाइड्रोकार्बन्स में नहीं, अल्काइन्स में भी नहीं. अल्काइन्स में हमने अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट एक देखा है, क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट, टर्मिनल अल्काइन्स के लिए नहीं. FeCl3 टेस्ट जो है, वी हैव सीन दिस फॉर इनोल्स, कीटो इनोल टॉटेमरिज्म में. इफ द इनोल कंटेंट इज सफिशिएंटली हाई, देन इट विल गिव FeCl3 टेस्ट. इफ द इनोल कंटेंट इज लेस, इट विल नॉट गिव FeCl3 टेस्ट. ओके, एंड ये जो फिनोल है, बीइंग एन इनोल, इट विल आल्सो गिव FeCl3 टेस्ट. ओके, एक कैरेक्टरिस्टिक कलर मिलेगा बस. Phenols produce complexes with neutral FeCl3 which have characteristic colors like green, red, blue, purple, etc. एंड ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इसलिए है, इट डिपेंड्स अपॉन द सब्स्टिट्यूशन ऑन द फिनोल. और जो बेंजीन रिंग के सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आएगा. बस हमको इतना ही जानना है, इफ यू हैव अ फिनोल, इट विल हैव सम कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑन रिएक्शन विद FeCl3. ओके, ये जो न्यूट्रल FeCl3 है, न्यूट्रल FeCl3 ऑन रिएक्शन विथ फिनोल, इट विल फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्स. ओके, नेक्स्ट टेस्ट. NaHCO3 टेस्ट. NaHCO3 टेस्ट का मतलब क्या है? इफ यू आर एडिंग फिनोल टू NaHCO3, NaHCO3 मतलब HCO3 माइनस, ऐसा लिख सकता हूं, Na पॉजिटिव प्लस HCO3 माइनस, गिव्स राइज टू फिनोल बीइंग एसिडिक, O माइनस प्लस H2CO3. ये जो H2CO3 है, इट इज एन अनस्टेबल कंपाउंड, इट कन्वर्ट्स इनटू CO2 एंड H2O. सो इन द रिएक्शन देयर विल बी लिबरेशन ऑफ CO2. ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, विल दिस हैपन? मतलब इफ आई एम एडिंग NaHCO3 टू फिनोल, इफ इट इज गिविंग ए पॉजिटिव टेस्ट, इसका मतलब इट इज लिबरेटिंग CO2. So will it give a positive test? Will it liberate CO2 phenol? हमने रिएक्शन तो लिखा इधर, बट ये रिएक्शन होगा कि नहीं मैं पूछ रहा हूं. Will this reaction happen? What is the general acidic strength order which we have written? Everyone try to remember. The general acidic strength order we have written is RSO2H greater than
greater than COOH. R COOH greater than, उसके बाद H2CO3 ऐड किया हमने, greater than PHOH, PHOH greater than CH3OH greater than ROH greater than ROH में H2O बीच में H2O डाल दिया हमने, ये जो CH3OH है वो H2O से भी ज्यादा है, एक्सेप्शन जैसे याद रखो, H2O greater than ROH greater than, उसके बाद टर्मिनल अल्काइन्स RC triple bond CH greater than NH3 greater than RH alkanes or CH4. Okay, so in this particular reaction, ye jo H2CO3 or phenol mein, can I say this is weak acid and this is strong acid H2CO3? So this will be weak base, this will be strong conjugate base. Always reaction will go from strong and strong to weak side na. So ye jo reaction hai, this is predominantly in backward direction. Okay, or else we say phenol doesn't, phenol doesn't correspond to NaHCO3 test. मतलब phenol NaHCO3 से react नहीं करेगा. Okay? अगर phenol NaHCO3 से react करने के लिए क्या होना चाहिए, उसका acidic strength H2CO3 से ज्यादा होना चाहिए. How can you increase the acidic strength? By having electron withdrawing groups. If you are having strong electron withdrawing groups attached at ortho and para positions, then only that particular phenol, substituted phenol, can give the positive test with NaHCO3. Strong electron withdrawing group NO2 jo hai, it is very strong electron withdrawing group, minus I as well as minus M. Okay, so if all the three positions, all the three positions are substituted by NO2, then only it will give positive NaHCO3 test. Matlab, ये देखो, the acids which liberate CO2, the acids which liberate CO2, एक मिनट, it is set to give NaHCO3 test. However, jo phenol hai, unsubstituted phenol, unsubstituted phenol doesn't give this test. However, if there are strong electron withdrawing groups present at ortho and para positions, strong electron withdrawing groups present at ortho and para positions, the acidity of
substituted phenol increases and may give NaHCO3 test. आया समझ में? मतलब इफ यू टेक पिक्रिक एसिड, इसलिए पिक्रिक एसिड इंपॉर्टेंट है. इफ यू टेक पिक्रिक एसिड विच हैज NO2 substitutions at both ortho and para positions, okay. Picric acid gives NaHCO3 test. लिख सकता हूँ? हाँ. Okay. Or else I can say all acids which are stronger than H2CO3. H2CO3 से जो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, ऑल ऑफ देम विल डेफिनेटली गिव NaHCO3 टेस्ट. मतलब RCOH, RSO3H तो देगा ही है. ओके, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे लिख सकते हो, RSO3H एंड RCOH गिव्स NaHCO3 टेस्ट. ओके, दिस इज द एंड ऑफ अल्कोहल्स फिनोल्स ईथर चैप्टर. फिनोल्स पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट में जो भी रिएक्शंस लिखा है ना, दोज आर हाईली इंपॉर्टेंट. प्लीज रिमेंबर ऑल द रिएक्शंस. ओके सर. या एनी डाउट? हाँ सर, वो लास्ट टेस्ट में मतलब वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ही होना चाहिए क्या? मतलब वो माइनस है वाला हैलोजन वगैरह लगाया तो मतलब वो नहीं होगा क्या? एक मिनट. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ अल्कोहल्स फिनोल्स ईथर चैप्टर.